since my childhood only. But the thing is, I used to hate him a lot. He was my common friend. So he was like a flirty type. So I used to hate him a lot. Huh? So when I was doing my degree in Jaipur, so that time I met him first in a party. Okay. We didn't introduce ourselves. We were just dancing. He didn't tell his name. I didn't tell my name. We were just dancing. Okay. We were on the flow. That was the first night I met him. I enjoyed with him. I loved his company. Whole night I spoke to him about that song. जयपुर में मतलब ये हॉस्टल में रहती थी, सामने ही मेरा पीजी था मेरा भी, और हमारे मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे तो हम दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग वगैरह चालू हो गई थी। तो हम दूसरे एक दूसरे से बात बात भी नहीं करते थे ज़्यादा। फिर धीरे धीरे हम मतलब एक दूसरे के क्लोज आए, बात होना चालू हुई। फिर हम मूवीज़ वगैरह सब देखते थे, साथ में जाते थे, पार्टी वगैरह सब की हमने साथ में। दिन मूवी हमने देखी थी बैंड बाजा बराती, उससे हमारा मतलब चालू हुआ कि हम एक दूसरे को मतलब लाइक करने लगे उस मूवी से। तो वो मूवी मैं अभी तक आज तक कभी नहीं भूल पाऊँगा। Proposed till now, not even him, not even me. So I spent 2 years with him in degree. So that time we were not in love, we were just friends. So when my degree was over, I came back. So I just start feeling from him, I mean for him. So I just, you know, I felt like he should be with me or something like that. हमारे घर पे आई चेन्नई पे, तो पापा मम्मी सबसे मिली। पापा को तो मैं बहुत पसंद आई मेरे। फिर मैंने पापा को बताया कि पापा मतलब मैं उसको लाइक करता हूँ और ऐसा मैं शादी वादी इससे करना चाहता हूँ। तो पापा ने डायरेक्ट मेरे से बात करी कि तुम क्या कहती हो उस बारे में। तो मेरे ने भी हाँ बोला कि हाँ मैं भी शादी करना चाहती हूँ। पापा ने सब हो गया फाइनल, आज हमारी फिर शादी हो गई है। बहुत खुश हूँ, मतलब इतनी खुशी है कि अब मैं आगे मतलब बोलते हुए भी वो